कॉमेडी और हॉरर दोनों भी बहुत एकदम, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा बना है और मूवी भी अच्छी है बहुत। ये शो था ना, इट लिटरली ब्रॉट दैट जॉय टू कमिंग टू अ थिएटर टू सी। तो जितना ये फिल्म हंसाती है उतना डराती भी है, एक नया लुक लिए हुए। अभी भी दूसरा पार्ट आता है तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये उससे भी अच्छी है। एवरीथिंग इज फैंटास्टिक अबाउट द फिल्म, आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा है स्टोरी, और जो प्रेजेंट भी किया है बहुत कुछ अच्छा था देखने लायक, और काफी कुछ अच्छा दिखा है। कॉमेडी और हॉरर दोनों भी बहुत एकदम, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा बना है और मूवी भी अच्छी है। वो भेड़िया का जो कॉम्बिनेशन लास्ट में वो जो दिखाया है वो भी काफी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मूवी भी जो स्क्रिप्ट और ये जो बना है बहुत अच्छा है। से मैं उनको 4 स्टार दे दूंगा। आई वुड लिटरली इनवाइट पीपल टू एंजॉय दिस मूवी, कम ओवर द इंडिपेंडेंस वीकेंड, एंजॉय इट विद द फैमिली। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते थे, एंटायर फैमिली कैन कम टुगेदर। इट इज़ सो हिलेरियस, मतलब लिटरली हम सारे लोग, इट वॉज द थिएटर वॉज इट सो मच जॉय। जो ये शो था ना, इट लिटरली ब्रॉट दैट जॉय टू कमिंग टू अ थिएटर टू सी, बिकॉज आप सिर्फ खुद नहीं हंस रहे, आपके फ्रेंड्स आर ऑल्सो एन्जॉइंग दैट फिल्म। तो वो एक दैट वॉज एक्स्ट्रा, वो 4 चांद लगा दिया था, मतलब ये पिक्चर देखने का एक्सपीरियंस को 4 चांद लगा दिया। ये बहुत अच्छी फिल्म है, श्रद्धा कपूर ने बहुत अच्छा रोल किया है, और श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म से साबित कर दिया है कि वो आज के वक्त की एक टैलेंटेड अभिनेत्री हैं। और जहाँ तक पंकज त्रिपाठी की बात है, तो पंकज त्रिपाठी जिस सीन में आए हैं उन्होंने जान डाल दी है। ये कॉमेडी के साथ साथ ये फिल्म जो है हॉरर इसमें दिखाया गया है, तो जितना ये फिल्म हंसाती है उतना डराती भी है, एक नया लुक लिए। कभी भी दूसरा पार्ट आता है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये उससे भी अच्छी है। श्रद्धा कपूर बहुत खूबसूरत लगी है, और मतलब पिक्चर में जो डायलॉग्स है और उन लोगों की जो एक्टिंग है, इवन वरुण धवन की एंट्री है, ओवरऑल पिक्चर एकदम धमाल वाली है, बहुत मज़ा आया। इट वॉज मैसिव एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मैसिव बिकॉज 3-2 था, एंड इसमें बहुत कुछ रिवील भी हुआ है 3-1 से 3-2 में। एंड आई वुड लाइक टू से ऑल द फैंस, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, इट इज़ इनक्रेडिबल। एंड अगर आपको 3-1 का राज जानना है तो 3-2 देखना ही पड़ेगा आपको। आई थिंक 3-1 और 3-2 में बहुत फ़र्क है। 3-1 वॉज ओनली अबाउट स्त्री, 3-2 में सारे कैरेक्टर्स हैं, भेड़िया है, सरकटा है, स्त्री है, एंड यू नो इट इज़ ऑसम। आई थिंक अ कोलॉन्गमेशन, अ कोलैबोरेशन ऑफ सो मेनी आर्टिस्ट टुगेदर, सो मेनी स्क्रिप्ट टुगेदर, सो इट्स फैंटास्टिक, इट्स वेरी एनग्रॉसिंग। बहुत इसमें एक सरप्राइज पैकेज है जो मैं ऑडियंस को नहीं बताना चाहूँगी, सुपर स्टार्स प्रेजेंस इज देयर, उनका प्रेजेंस है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो हॉलीवुड में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं आयरन मैन अलग है, थॉर अलग है, यू नो ब्लैक पैंथर अलग है, एंड देन दे कोलैबोरेट टुगेदर एंड दे मेक एन एवेंजर। बट ये पहली बार इंडियन सिनेमा में हो रहा है, सो इट्स फैंटास्टिक, एटलीस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, एंड इट्स ब्यूटिफुली शॉट, VFX इज गुड, DI इज गुड, स्क्रीन प्ले इज गुड, डायलॉग्स इज गुड, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक अबाउट द फिल्म, आई रियली लाइक्ड इट। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, श्रद्धा कपूर, तमन्ना भाटिया डांस, देन देयर इज अ सुपरस्टार जिनका एक छोटा सा कैमियो है, बट व्हाट अ रॉकिंग कैमियो। आई थिंक एवरीबडी इज परफॉर्म्ड वेल। द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज द कॉमिक टाइमिंग एंड द डायलॉग्स। जिस आई थिंक कोई भी फिल्म तब हिट होती है जब उसके डायलॉग्स, उसका स्क्रिप्ट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है, एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म विल रेजोनेट विद ऑडियंस ऑफ ऑल द एजेस। किड्स विल एंजॉय द ड्रामा, you know, women, men will enjoy, adults will, and even old age people will enjoy the drama. So it's a complete entertainment package. I thoroughly enjoyed the film, and I would recommend, and I would request everybody to go watch the film during a weekend, and because long holidays are coming up, I don't think so anybody wants to watch anything serious. They would want to spend nice time and entertaining time with their families, so they should go there.